एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बिल्कुल, तो अब बात उत्तर प्रदेश में सर्दी के सितम की। यूपी में पिछले एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा 10 डिग्री के नीचे लगातार बना हुआ है। और क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? असल में इसके पीछे की वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है, और अगर बर्फबारी हुई तो ठंड होना लाजमी है। साथ ही साथ कोहरे का आज अपना कहर जारी रहेगा, इसकी भी पूरी आशंका है। तो ठंड की वजह यह है कि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और ये आज भी जारी रहेगी, वैसे ही जैसे पिछले दिनों आपने देखी है। कोहरे का कहर भी बहुत सारे इलाकों में दिखाई देगा, खासकर उत्तर भारत के जो इलाके हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तमाम इलाके सर्दी की चपेट में रहेंगे। हम आपको टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं। मेरठ, हापुड़ और सहारनपुर में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यह है कि तापमान बहुत कम और लोगों की परेशानी का सबब यह बना रहेगा आज भी। और राजेंद्र, इस बीच आज पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जो है वो भी मौसम विभाग ने दिया है। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो स्थिति है ये अभी ऐसी ही रहने वाली है। मतलब मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, शीतलहर चलेगी, तो पहाड़ों में बर्फबारी जारी रहेगी। मतलब ठंड से अभी और दो चार होना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए और ज्यादा जानकारियां हासिल करते हैं। ग्राउंड से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग इलाकों से हमारे साथ हैं। पूर्वांचल गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कानपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले पूर्वांचल का गोरखपुर, उसका हाल जान लेते हैं, वहां पर क्या इस वक्त स्थिति है। नीरज बताइए, गोरखपुर में सर्दी का सितम कैसा है या थोड़ी राहत हो सकती है आज? देखिए राजेंद्र, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में दिखा, और खासकर पूर्वी यूपी की बात करें तो लगातार पारा इधर एक हफ्ते से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी पिछले दो दिनों से जो न्यूनतम तापमान है 2 से 3 डिग्री का इसमें उछाल आया है, लेकिन फिर अभी जो बर्फबारी होने वाली है उससे जो मौसम विभाग का अनुमान है अगले एक हफ्ते तक पारा जो है, न्यूनतम पारा और अधिकतम पारा भी जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सर्द होंगी, रातें भी सर्द होंगी और सुबह भी सर्द होने वाली हैं, और इसके साथ ही जो कोहरे का सितम है वो भी जारी रहेगा। और इधर लगातार जो है ठंड से और कोहरे से जो है लोगों को जूझना पड़ेगा, इसलिए मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि ज़्यादातर लोग घरों में रहें, और सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए ना निकले तो ज्यादा बेहतर है। जो बुजुर्ग हैं खासकर और जो बच्चे हैं। बिल्कुल, और नीरज, डॉक्टर्स ने खास तौर पर ये अलर्ट दिया है बच्चों को और बुजुर्गों को, क्योंकि एक तो कोरोना भी हमारे बीच में है और ऐसे में फॉग और उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है उससे कहीं सांस की तकलीफ ना हो, इसलिए लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। रुक करेंगे अब नितिन उपाध्याय का। नितिन, पश्चिमी यूपी में तो सहारनपुर में हम दिखा रहे थे 6 डिग्री तक जा रहा है तापमान, मेरठ में 8 डिग्री बना हुआ है, गाजियाबाद, नोएडा सभी जगह 8-9 डिग्री के आसपास है, तो कितनी ठंड आप वहां महसूस कर रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, वाकई में सर्दी को तो महसूस ही किया जा सकता है। और ऐसे में इस समय अगर आगरा की बात की जाए 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, हाथों में ज़बरदस्त गलन ठिठुरन महसूस की जा सकती है, और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, वो कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर उस बर्फबारी से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। हालांकि ये ज़रूर राहत की बात रहती है कि सुबह सुबह जो गलन भरी जो सर्दी रहती है और जैसे ही 9 या 10 बजते हैं तेज़ धूप अमूमन निकल आ रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है, और सुबह और शाम की जो सर्दी है वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है और इस समय लगातार। लेकिन दूसरी तरफ इसका पहलू ये भी है कि किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, अगर तेज़ सर्दी पड़ेगी, अगर सर्दी काफ़ी कड़ाके की पड़ेगी तो फसलें पकेंगी। तो कुल मिला के एक तरफ आम जनजीवन अस्त व्यस्त है तो किसानों के लिए ये अच्छी इसको मौसम कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी खेतों में जो फसलें खड़ी हुई हैं वो पकेंगी। कुल मिला के कहा जाए, प्रशासनिक इंतजामों की बात की जाए तो आगरा में प्रशासनिक इंतजाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। गैस हीटर जो लगाए जाते हैं आगरा में, क्योंकि पॉल्यूशन ना फैले इसलिए अलाव की व्यवस्था नहीं होती है, और ऐसे में गैस हीटर बहुत ही चुनिंदा चौराहों पर लगे हुए हैं, और ऐसे में ज़रूरत ये इस बात की है कि चाहे वो आश्रय स्थल हो, रैन बसेरा हो या गैस हीटर जैसे इंतजाम हो, इसका बड़े स्तर पर प्रबंधन हो ताकि बड़े स्तर पर जो लोग सड़कों से बाहर हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं,
हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं इस हार्ड तपाती की ठंड में आपकी बात में एक चीज राहत भरी सांस मिल सके। एक चीज राहत भरी दिखाई दी आपने, कहा कि सुबह 10 बजे के बाद कड़ाके की धूप हो जाती है, तो चलिए सुबह 10 बजे के बाद राहत रहेगी, ऐसा अनुमान आज हम कर सकते हैं। अब हम कानपुर चलेंगे, सेंट्रल यूपी अब में क्या स्थिति है ये हमें बताएंगे प्रभात अवस्थी। प्रभात, कानपुर में फिलहाल अभी इस वक्त तापमान क्या है और क्या अनुमान है आगे? बिल्कुल राजेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा अगर कानपुर के तापमान की बात की जाए तो लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ, और अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो आज कोहरा जरूर नहीं है, हम हाईवे पे मौजूद हैं। आज आप देखेंगे कि जो हाईवे है यहाँ पर धुंध नहीं दिख रही है, तो फिर चादर जो है वो नहीं है, लेकिन जो गलन है, जो तुकन है, जो चीज लगे है वो चल रही है। लेकिन जैसे ही सूर्य देवता विदा लेते हैं तो ये ठंड है वो बढ़ जाती है, और यही वजह है कि लगातार ठंड का मौसम जो है और लोगों को व्यापार का मौसम जो है उसका सामना करना पड़ता है। और बात की बात किया तो कोहरा कुछ नहीं है, लेकिन आज कड़ाके जो है वो चल रही है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि इस वक्त मौसम साफ है और लेकिन ठंड है, ठीक है, ज्यादातर इलाकों में यही स्थिति है, ठंड है या फिर कोहरा है लेकिन ठंड है, ये कॉमन फैक्टर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।